अस्सलाम वालेकुम विवर्स, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह के फजल व करम से। आज हम बना रहे हैं ग्रेप फ्रूट का जूस और आपसे शेयर कर रहे हैं। ये नसीम पाशु के नाम के मेरे अपने नाम से चैनल है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जूस पीजिएगा। ये जूस जो है ज़्यादा तो इसका शुगर वालों के लिए होता है। बीच में हम शामिल करेंगे अनार भी। ये ग्रेप फ्रूट जो है, ग्रेप फ्रूट भी तरह तरह के किस्मों के हैं। ये रेड है, ये सफ़ेद है, ये ऐसे लग रहा है जैसे वो है, मीठे नहीं होते हैं, वो है, लेकिन है ये भी ग्रेप फ्रूट, ये भी ग्रेप फ्रूट। ये अनार हैं। आज हम अनार और ग्रेप फ्रूट का जूस एक साथ बनाएंगे शुगर के तोड़ के लिए VIP। जिसने पीना हो वो हमसे कमेंट पे बात करें, हम उसको बना के घर पहुंचा देंगे और अल्लाह ताला शफा देगा उसको और हमें दुआ में याद रखेगा। अच्छा विवास, ये जो ना हम इसमें एक गिलास ये छोटा सा पानी ऐड करेंगे, ये डालेंगे इसके अंदर पानी। ये डालेंगे अनार के दाने, डल गए, और अब डालेंगे चीनी। थोड़ी सी चीनी डालें, ओ इसमें हम एक चम्मच ये चीनी डालेंगे, क्यों ये बहुत अनार के दाने खट्टे हैं। सही है। और इसके अलावा ये डालेंगे, ये भी हम शामिल करेंगे इसके अंदर, ये भी बहुत खटास होती है शुगर के लिए। अच्छा भी बस, ये हम नमक ऐड कर रहे हैं जूस के अंदर और माशाल्लाह हमारा जूस तैयार हो गया है। ये अच्छा भाई, बस ये जूस हमारा तैयार हो गया शुगर के लिए। जिसको भी चाहिए हो तरीक़ेकार हमारी वीडियो से देख के कमेंट पे हमें पूछना, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे अच्छे से कमेंट से। ये एक गिलास रोज़ाना अनार, दो अनार, दो ग्रेप फ्रूट, वो हमने पहले आपको छील के सब दिखा दिए और जो जो चीज़ हमने शामिल की वो भी हमने आपको बता दी है। एक गिलास माशाल्लाह रोज़ाना ये जूस का बना के पियेंगे तो शुगर आर पार हो जाएगी, दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो से, तब तक चाहेंगे अल्लाह हाफिज़।